मेरा नाम खिजर जात है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हूँ। इसको मॉडल स्टेशन बनाया है सिखों के लिए कि हम माइनॉरिटीज को हम फेवर करते हैं। अब जहाँ देखिए ना आप, इसको जो ऊपर टॉम बना हुआ है, ये गुरुद्वारे की टॉम और इसकी टॉम में मिलता जुलता है। उस किताब को उसको हमने रिमॉडल किया है इसको ना, हमारे अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोशिश थी फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे आते, क्योंकि हमारे पास इंडिया के अलावा जर्मनी से, अमेरिका से और कैनेडा से भी आते सिख, वो आपको बड़ा खुश होते हैं और बहुत ही अपनी इस धरती को बड़ा प्यार करते हैं। जिस तरह हम मक्का शरीफ या मदीना शरीफ से प्यार करते हैं ना, ये उनके मजहबी तौर पर ये अकीदत की जगह है। सिख जनाब यहाँ आते हैं और वो जुबान से जो बहुत ज़्यादा हमारा शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तब भी हमने उनसे बात की, कन्वर्सेशन की, उन्होंने यही कहा कि हम पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। हम भी उनको पूछते हैं कि आप वो जो सफ़र रहा कैसा रहा, ट्रेन में आते हैं चूँकि, तो वो कहते हैं हमने जनाब शुरू से जब से हमने पाकिस्तान में कदम रखा है वहाँ से ले कर हमें मोहब्बतें मिलती हैं, हम पे मोहब्बतें निछावर होती हैं। पैदल 15 मिनट लगते हैं, गाड़ी में 5 मिनट लगते हैं। वहाँ पे सिख कम्युनिटी आती है, साल में तकरीबन 3 दफ़ा आते हैं। एक अप्रैल में आते हैं जो बैसाखी का मेला होता है, फिर ये सितंबर में आते हैं और फिर नवंबर में आते हैं। बापू गुरु नानक की होती है ना बर्थडे, तो उस सिलसिले में वहाँ तकरीब बात होती है। उस वक्त एक गाड़ी आ रही थी खैबर मेल ना, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी उस स्टेशन मास्टर अंग्रेज़ को कि इस गाड़ी को हमने रोकना है, इनमें उनके प्रिजनर आ रहे थे। उन्होंने अपने तौर पे उनको खाना रिप्रेजेंट करना था क्योंकि वो आज़ादी की जंग थी। तो स्टेशन मास्टर साहब ने बताया था कि एक ही तरीका है कि आप लाइन पर लेट जाए, बिल्कुल हम एकदम नहीं लगा सकते ब्रेक। हम अगर एकदम ब्रेक लगाए ना तो गाड़ियाँ बोगी जापर में कैप्साइज हो जाती हैं। उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई है, लेकिन वो जो बंद लेटे हुए थे वो कुचल गए, तो फिर ऐसा गाड़ी रुकी है। सरदार मलमीत सिंह, हम रिहाइश हमारे इधर है और 47 हमारे बाप दादा वगैरह सब इधर की है, पेशावर से बिलोंग करते हैं। हम सुबह जाते हैं, हमारी इबादत का टाइम होता है सर्दियों में 4 से 8 बजे तक, और गर्मी में सुबह 3:30 से 8 बजे तक चलते हैं। दरअसल जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनको ज्यादा इजाजत नहीं होती कि गुरुद्वारे से बाहर निकले, क्योंकि सख्ती बहुत होती है स्पेशली इंडिया वालों को। बाकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका सब थोड़े बहुत निकल आते हैं, बाकी उनको इजाजत नहीं होती। तो वो जब भी आते हैं उनके लंगर का इंतजाम होता है, कमरों का इंतजाम होता है, उनको जो जरूरत होती है हम पेश करते हैं। बाकी उनको कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती, ना हमें कोई तकलीफ है इस पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी जो थे हमारे 1469 में उनकी पैदाइश थी, ननकाने साहब रायपुरी तलवंडी उस टाइम गांव का नाम था, आजकल ननकाने साहब के नाम से मशहूर है। वो यहाँ पे इस वजह से आए थे कि यहाँ पे बुद्ध मत ज्यादा था, कोई अल्लाह को नहीं पहचानता, सारे पत्थरों की पूजा करते थे। तो उनके आने की वजह ये थी कि लोगों को रास्ता बता सके कि आप लोगों के पत्थर कोई नहीं है, अल्लाह है सब कुछ, वो आपको पैदा करता है, वही आपका निज़ाम सब चलाता है। उनके पास 2 बंदे और थे, एक मुसलमान थे और एक हिंदू थे। मुसलमान का नाम भाई मर्दाना जी था और हिंदू का नाम भाई बालाजी था। वो जब यहाँ पे आए तो उनको प्यास बहुत लगी हुई थी, भाई मर्दाना जी को जो मुसलमान थे, उनने सारी जिंदगी एक साथ ही गुजारी। तो जो भाई मर्दाना जी थे उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, हमारे जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने बोला कि आप जाए वाली कंदारी पे, उधर मेरा नाम ले, वो आपको पानी दे देंगे। वो एक दफा गए, उन्होंने मना कर दिया, कहते हमने नहीं देना। तीसरी दफा गुरु नानक देव जी के साथ खुद चलने लगे, बाबा वाली कंदारी थे उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंके, तो जैसे पत्थर फेंके जिस जगह आज गुरुद्वारा पंजे से मौजूद है उसी जगह उन्होंने रोका है,
और जो पत्थर था जमीन के ऊपर लगे तो उस दर से चश्मा निकलने लगे। जी मेरा नाम राजा करामत हुसैन है, यहाँ मैं ये सारा लंगर का काम करता हूँ और मुझे इधर 20 साल हो। मेरे से पहले हमारे एक बड़े भाई थे, भाई असलम साहब, उन्होंने 2002 में यहाँ लंगर का सिलसिला शुरू किया था। लंगर जिस दिन को हम 1:30 बजे दबा करते हैं, 3:30-4 बजे तक ज़्यादा वापस में हो 4:30 फिर और काम भी करने होते, शाम का लंगर भी तैयार करना। का नाम पूरा जो है सरकार का सैयद जमालुल्लाह यातुल मीर सखी जिंदावली कंदारी असनी हुसैन, ये गौस पाक सरकार की औलाद, गौस पाक सरकार के जो पांचवें बेटे हैं सैयद रजाक अब्दुल बिंताज, ये उनके साहबजादे। इनको यातुल मीर इसलिए कहा गया है जब इनकी पैदाइश हुई थी सरकार के पास लेके उन्होंने इनको बोसा दिया और बोला कि आपकी यादें में मामेदिल इस्लाम का जहूर होगा, आपने मेरे पैगाम और सलाम पेश कर, इसलिए इनको जिंदा पीर का जो है ना लकब दिया। इनकी 1,25,000 बैठक है, लेकिन जो सिख आते हैं वो सारे इधर भी आते हैं। बैसाखी मेला, जन्मदिन 13 अप्रैल को उनका बैसाखी मेला शुरू हो जाता है, 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को खास दिन, फिर जन्मदिन उनका एक साल में भी है। वो जितने ऑल वर्ल्ड के सिख हैं सारे आते हैं। ये तकरीबन 1100-1200 सिख लंगर का सामान हम खुद लाते हैं, नीचे रखते हैं, उनके लिए लंगर तैयार करेंगे, लंगर तैयार होगा दुआ हो जाएगी। आवाम आती है, जो आती है सरकार के ऊपर हाजिरी करती है, कुछ मनते मुरादों वाले होते हैं, दूर दराज से आते हैं उन लोगों के आगे, ये है उनका जब लंगर का टाइम है हम उनको लंगर खिला देते हैं, चाय का टाइम है हम उनको चाय पिला देते हैं। फिर गुरु नानक अपने सिखों को बोलता जो मेरे पास आएगा सबसे पहले ऊपर जाएगा, ऊपर हाजिरी करेगा, फिर मेरे पास आएगा, मैं उसकी हाजिरी कबूल कर। मेरा नाम है कुलबीर सिंह बेदी, मैं इत्थे ग्रंथी की सेवा कर रहे 18 साल तो। साढ़े जड़िया ड्यूटियां ने सुबह शाम इबादत करवानी, उस तो इलावा जेड़े भी मेहमान आ गए उन्होंने गाइड करना, हिस्ट्री के बारे मालूमात देनी। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा पंजा साहब है, ये पूरी दुनिया के जिन्हें सिख जायरीन रहेंगे ने पंजा साहब का जोड़ा पानी है उन्होंने आबे जमजम का मुकाम रखता है। हर बंदे की ख्वाहिश होंगी कि मैं जिंदगी दे विच एक दफा पाकिस्तान जाके इन्होंने गुरुद्वार की जियारत हो जाए। ननकाणा साहब के विच गुरु नानक साहब की पैदाइश हुई, इत्थे आके पानी का चश्मा कढ़िया। इस तो इलावा करतारपुर साहब विच जिंदगी के आखिरी 18 साल बिताए, और कई गुरुद्वारे ने तारीखी जिन्हां दे विच ना गुरु नानक साहब इत्थे जिथे जिथे रहे जिथे जिथे चिल्ले किते उन्हां दे मनण वालिया ने गुरुद्वारे बना दिते। गुरु नानक साहब ने कहा जेडे मेरे मनण वाले होणगे ना, जेड़ा इत्थे पंजा साहब आएगा उदी यात्रा उदी ज़ियारत तां कंप्लीट होएगी, तेरे कोल भी उपर हाजरी भरेगा।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਆਲਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਦਿਆ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ 3 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ